उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल 200 बेड वाले निर्माणाधीन कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बाद में सीएम ने पार्टी के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को विकसित बनाने पर बल दिया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए पार्टी की नीतियों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि बुलंदशहर में बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक बांटे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत 700 स्वयं सहायता समूहों और पीएम रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। साथ ही 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन आदि बांटे गए। सीएम ने कहा, मेरठ में पहला खेल का विश्वविद्यालय बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना है। देश और दुनिया में आज यूपी नंबर वन है। यूपी का युवा सबसे प्रतिभाशाली और ऊर्जावान है। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ उदय यादव की रिपोर्ट। यानी एयरपोर्ट ये माना जाता है कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए अगर 50 से 55 किलोमीटर की दूरी है तो वह ये मानना चाहिए कि घर के आंगन के बराबर है। और यहां पर तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपका जीवन प्रारंभ हो जाएगा और वहां से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। फिल्म सिटी भी यहां बनने जा रही है।